नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे आए, बकरी को नए बच्चे आ गए। हाँ, कौन सी बकरी के नए बच्चे आ गए? देखो तो घूम रहे हैं, माशाल्लाह छह सात बच्चे दिए बकरी ने। वाकई का है वो घूम रहे, वो बोल रहे हैं ये वाले बच्चे दिए। ओबे भाई पाउडर वाला दूध है ये, रिसेंटली हमने फार्म पे स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया इसको? 31st से ना, पहली से एक दिन पहले 31 तारीख क्रीम वाला ऐसे बिल्कुल देखो ना क्रीमी। हाँ माशाल्लाह से यार अच्छा क्रीम वाला दूध है। और इसमें ना दोस्तों 40 जो है ना प्रोटीन है और 30% जो है ना फैट है। वीडियो में आपने 25,000 वाली ऑफर दी है। हाँ दिए, दूध और मक्खन ऐड है क्या? आओ जमील मेमन अल्बाइस कैटल फार्म वालों को लूट लो, पलाई में लूट लो, जानवर में भी लूट लो भाई, हर चीज में लूट लो भाई। पहले भी तो यही हुआ था, लूट कर ही गए थे ना यार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केटल सीन्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों भाई मैं फार्म पे पहुंच चुका था और यहाँ पे देखे भाई सुलेमान चचा ना यार रोज इसी टाइम बैठे हुए भाई बर्तन धो रहे होते हैं। यार क्या सीन है, कोई टाइम वाइम सेट किया? 5 बजे चाय पकाते हैं यार, लेकिन ऐसे ही शाम के टाइम जब भी मैं इस टाइम व्लॉग बना रहा होता हूँ बर्तन धो रहे होता है। ये तो नहीं देखते कैमरा ऑन किया यार, चलो बर्तन धोने बैठ जाते हैं भैया, सफाई तो होनी चाहिए। हाँ, चाय वाय बना के पिला दो अच्छे से, बर्तन धो, कप वप अच्छे से धो के VIPC दूध आ गया, आ गया VIPC चाय बना दो, ठीक हो गया। चलो भाई ठीक हो गया। यहाँ पे सुलेमान चचा भाई बकरी का दूध भी है, बकरी का दूध नहीं भैंस गाय के दूध की पिला दो। हाँ गाय के दूध, हाँ सारे दूध मिक्स करके पिलाओगे? ये क्या चाय, कौन सी चाय खिलाएगी? ये सारे दूध मिक्स करके? सारे दूध पति नहीं भाई यार, सुलेमान चचा यार कोई और ही चाय ना बना दे भाई, सारे दूध मिक्स करके। क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो यार? व्लॉग बना रहे हो? कौन सा व्लॉग बना रहे हो? मैं तो व्लॉग तो यहाँ बना रहा हूँ ना मैं, आप कौन सा व्लॉग बना रहे हो? व्लॉग बना रहे हैं अभी। आवेद भाई क्या हाल है, खैरियत है चाचा? क्या हाल है, आज गाड़ी देखो माशाल्लाह भाई की कैसी साफ हुई हुई है। ये आपने करी है ना? इसी शर्ट से तो नहीं की, इसी शर्ट से करी, जैसे शर्ट ज्यादा ऊपर नहीं करो फिर वो। हाँ भाई क्या बोलना, व्लॉग कौन सा चैनल है भाई आपका? यार मेरा बस अपना एक चैनल है। क्या नाम है? मैं चैनल का नाम बता दूं आपको, मेरे चैनल का नाम है मोंटी भाई चैनल। अभी क्या नाम है चैनल का? मोंटी भाई, ये व्लॉगिंग। अच्छा भाई अपने व्लॉग, अपने व्लॉग्स बना रहे हो ना? बस भाई व्लॉग्स बनाओ यार, आप लोग करो भाई, मैं फिर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ना बनाने। क्या हो गया, करो ना व्लॉग कर रहे थे ना यार, क्यों बंद करो भाई? नहीं बना रहे ना हम बस यार, थोड़ी दिन चैनल पे वीडियो नहीं बनाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना चैनल बना लो तुम। हाँ मोंटी, हाँ आबिद तू भी। बिल्कुल भाई, लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे जिगरा फाड़ रहे हैं, ऐसे कमेंट मार रहे हैं यार वो, यार वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही भाई। तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा था, हमने भी मोबाइल निकाल लिया, हम भी शुरू हो गए आज से यार। बाकी यार लोगों के कमेंट आ रहे हैं, एक भाई का तो कमेंट आया कि पूरी फैमिली से सबसे भाई जिस जिससे सब्सक्राइब करवा है सबसे अनसब्सक्राइब करवा दूंगा यार। ये कमेंट आ रहा है भाई, तो हम तभी व्लॉग बनाएंगे, हम बनाएंगे व्लॉग यार बच्चे। ये देखो इनके काम देखो यार। दोस्तों यार आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे और मेजोरिटी मतलब कल की वीडियो पे ना 70% मेजोरिटी यही कमेंट्स है यार कि आप डेली वीडियोस नहीं बना रहे, डेली वीडियोस बनाया करो वरना अनसब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यार बहुत 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 सॉरी यार, मैं डेली वीडियोज ही बनाता था, मैं डेली व्लॉग्स बनाता था, लेकिन आजकल थोड़ा बिजी हूँ मैं अपने और कामों में भी, तो यार थोड़ा सा मुझे बस टाइम लगेगा, उसके बाद वहाँ पे डेली वीडियोज ही आनी है क्योंकि हम डेली व्लॉग्स ही बनाते हैं, तो यार डेली आएंगी ना यार, तुम भी समझो ना बात को। कमेंट में उनको बोलता था इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ और यहाँ पे देखिए दोस्तों माशाल्लाह से यार इतने सारे हमारे कबूतर, कितने थोड़े से आए थे और इतने ज्यादा हो गए, यहाँ भी इतने सारे घूम रहे हैं और ये यहाँ पिंजरे में भी, और इन दोनों को अलग अलग करके क्यों रखा हुआ है भाई, क्या सीन है इनका? जी भाई ये जो है ना ये सारे बच्चे देने वाले हैं, बाकी वो जो उड़ाई वाले हैं ना हमारे, हाँ। जो अलग किए हैं वो अलग अलहदा, मतलब वो सिर्फ उड़ते हैं, वो जो रात रात भर उड़ते रहते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं देते उड़ने वाले? नहीं उनको लगाना पड़ता है ना बाद में, फिर अच्छा बाद में नस्ल के लिए इनको लगाना पड़ता है। कल हमारा क्या हुआ, एक बजे उड़ गया कबूतर ना, इसमें अभी भी बैठा हुआ है। रात को मैं 12:30 बजे तक यहाँ बैठा रहा था, लाइटें लगा के नहीं उतरी, फिर सुबह आई ना, सुबह में आई, दोपहर में 1 बजे उड़ा था और फिर सुबह आया, मतलब कोई 17-18 घंटे तक वो उड़ता रहा, मजाक कर रहा है क्या? नहीं 12:30 बजे तक मैंने देखा है चल रहा था यहाँ पे ना, अच्छा। चल रहा था, उसके बाद तो मैं सो गया, मैंने बोला अभी शायद नहीं उतरेगा, कहीं और जगह पे उतरा है, उसके बाद सुबह में 6:30 बजे आया। यार इनके तो बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, मैंने सुना है कोई लाख रुपए के नाम होते हैं, पूरा पूरा दिन ना कबूतर उड़ते रहते, तो हमारे पास ऐसे कबूतर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दिखाओ कौन सा वाला था वो रात भर उड़ता रहा? ये बच्चा चला है रात भर। ये बच्चा है माशाल्लाह यार, ये अभी से इतना उड़ा है, जब ये बड़ा होगा तो और ज्यादा उड़ेगा जी माशाल्लाह बहुत ज्यादा। कल यहाँ पे शरद थी, हमारा था मूड लगाने का, मगर जो अगली पार्टी थी ना वो जो है ना फसरी करती है। फसरी मतलब फसाद, लड़ाई। कल जैसे उन लोगों ने हराया,
अपने कबूतर खोल दिए, वो उनका फड्डा हो गया, बाकी खत्म हो गया। नहीं यार मतलब हारे तो यार उन्होंने बोला कि यार नहीं हमें कंपटीशन ही नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, रो जाते इसकी तरह रोते हैं रोते हैं। फिर हमने बोला हमें मेहनत भी करें, फिर इनको उड़ाए भी और ऊपर से फिर वो मसला अच्छा ही उड़ाई नहीं, ठीक हो गया। और हमारे जो ये वाले जो कबूतर हैं जो अभी यहाँ पे बाहर घूम रहे थे, ये वहाँ पे चले गए, ये उड़ते नहीं है, ये उड़ते हैं लेकिन नीचे आते, ज्यादा ऊपर नहीं जाते ना। इनमें से यार दो कबूतर दोस्तों मैंने देखा था इतनी ऊपर चले गए थे, आबिद सुलेमान चाचा मुझे इशारा करके बता रहे थे, वो रहे मुझे नजर ही नहीं आ रहे थे यार उस दिन। बिल्कुल ऐसा ही है, वो इन्हीं में से थे ना। हाँ माशाल्लाह यार बहुत ऊंची ऊंची उड़ रहे थे। और इनका घर भी देख लेते हैं भाई, ये देखे भाई दोस्तों हमारे कबूतर घर है। ये क्या बनाया? ये बच्चों के लिए छतरी है, जो छोटे पट्टे होते हैं ना उनके लिए छतरी बनाई। बच्चे हैं अभी दो अंडों पे बैठी हुई है। दो अंडे भाई दोस्तों, ये देखे भाई अंडों पे बैठी हुई है। और कौन सी बैठी हुई है? वो देखे भाई वहाँ पे नीचे भाई एक और कबूतरनी बैठी हुई है दो अंडों पे। यार हमारे पास ना वाकई कबूतरों का और मुर्गियों का ना लग बहुत ज्यादा अच्छा रहा। कबूतर और मुर्गियों ने जितने अंडे बच्चे करे ना हमारे पास किसी चीज ने नहीं करे। कबूतर भी हमारे पास 5-6 या ज्यादा से ज्यादा 10 आए होंगे, और अभी हमारे पास कितने? अभी 25 थे, 25 माशाल्लाह। 10-12 दिन भी नहीं हुए, मैंने 10 कबूतर लोगों को दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये देखे भाई कितनी ज्यादा बरकत हुई है हमारे पास। और मुर्गियां भी भाई कुछ ऐसी मुर्गियां कितनी है हमारे पास भाई? तकरीबन हो जाएंगी 30-32 हो जाएंगी। 30-32 मुर्गियां और वो भी सारी बड़ी बड़ी। ए दो चाचा सुलेमान ले आया था, दो में कितने? चार, दो वहां से छह मेरे माशाल्लाह इतने में। छह में से दोस्तों भाई 6 मुर्गियां टोटल आई थी, उससे भी 32 हो चुकी हैं। उसके अलावा भाई एक आधी हम खा भी चुके हैं और मरी भी हैं ना, मतलब बच्चे मर भी गए थे। बच्चे जो है ना वो बिल्ली ले गई। बिल्ली ले गई, ये कितनी अफसोस की बात। तू ऐसे बड़े मजे से बता रहा है यार। बिल्कुल यार वो हो गया, अभी उसको मारा भी है हमने। हाँ बिल्ली को नहीं, बिल्ली को मारा फिर आई नहीं। नुकसान किया तुम क्या खड़े हुए यहाँ पे? बिल्ली को छोड़े आप जरा, माशाल्लाह इसकी जरा दिखा दे जरा। नए बच्चे आए बकरी को, नए बच्चे आ गए। कौन सी बकरी के नए बच्चे आ गए? देखो तो घूम रहे हैं, माशाल्लाह 6-7 बच्चे दिए ने बबली ने। कैसी बातें कर रहे हैं, 6-7 बच्चे कैसे दे दिए अचानक से बबली ने? ये वाले बच्चे दिए भाई माशाल्लाह से। ये देखे भाई यहाँ पे हमारे रैबिट्स आ गए, रैबिट्स के घर खत्म कर दिया। हाँ वो भाई अभी इनके साथ इनकी दोस्ती हो गई है। अभी दोस्तों रैबिट्स का घर भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ भाई। आपको याद होगा कि हमारे ना ये वाले खाते के ना बराबर में एक रूम था, वहाँ पे हमने सारे के सारे अपने रैबिट्स रख दिए थे। जब से रैबिट हाउस खराब हुआ था वहाँ पे बिल्ली आके ना रैबिट्स को लेके जा रही थी, तो एक एक करके हमारा रैबिट कम होता जा रहा था। अभी कितने टोटल? अभी 6-7 हैं। 6-7 रैबिट है ना, 10-12 रैबिट थे हमारे पास। वो एक आध मर गया, उनके बच्चे भी आए थे, ऊपर से बिल्ली आई, कभी बच्चों को ले जाती थी, बड़ों को भी ले जाने लग गई थी। तो फिर हमने वहाँ पे रूम में रख दिए थे। अभी वहाँ से रूम से निकाल के ना हमने ये वाले जो रूम है ना यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे रैबिट्स को रखा हुआ है। दिन में ये यहाँ पे खुले घूमते रहते हैं बकरियों के साथ, और रात में अंदर होते हैं जी, अंदर बंद कर दे। वो देखो कैसे मजे से बैठा कहाँ बैठा भाई, ये देखिए भाई माशाल्लाह से भाई नीचे बैठा हुआ है मजे से बकरियों में। और सारी की सारी भाई हमारे बकरे ये देखें भाई, ये तो बबली, इधर आओ, कहाँ भाग रही हो, इधर आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत एक्टिव। और ये हमारी बड़ी बकरी है, और ये सारे के सारे बच्चे भाई माशाल्लाह से जो बड़े होते जा रहे हैं। बोर वाला माशाल्लाह देखो कैसा जा रहा है। हाँ वो बोर वाला जा रहा है ना माशाल्लाह, वो देखे भाई वो बोर है। ये देखे माशाल्लाह भाई ये फीमेल है, इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई ब्रीड पे लगाएंगे, हमारे फार्म पे इसकी ब्रीड भी दिखाएंगे। अबे कहाँ लेके जा रहे हो, अबे बाहर क्यों छोड़ रहे हो यार? बाहर छोड़ना है ना यार, बाहर छोड़ना है ना यार बेचारे। अबे नहीं ना, अभी नहीं छोड़ो ना यार, ये परेशान हो जाएंगे ना यार। मतलब कि ये उठ के बाइक लेके चलेंगे, गाड़ी लेके चलेंगे। जानवरों को दूध पिलाना इसने ये निकाल दिया। हाँ ना अभी जानवरों को दूध पिलाना है। दूध तो पिला रहे ना, इनको थोड़ी वॉक करा देंगे ना। चलो मैं अभी दिखा रहा था अंदर, तुमने बाहर निकाल दिया। भाई बाहर जाके अब दिखाए इनको जरा ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई सारे के सारे हमारे बकरे। और इनके बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि यार ये हमारे फार्म पे होम ब्रीड हुई है, और इस साल ये भाई कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे इसमें से। तुम्हें पता है इस साल कुर्बानी के लिए? इस साल कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, इस साल कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे। काफी देर लगी, काफी मेहनत के बाद हमने सारी की सारी बकरियां जो है भाई अंदर कर दी हैं। कोई कभी इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, इतना मसला होता है। तभी मैं तुम्हें बोल रहा था बाहर नहीं निकालो, उसने दूध रेडी किया हुआ था और आपने बकरियां बाहर निकाल दी। देखा थोड़ी था यार, देखा थोड़ी था मैंने आबिद को। हाँ तो यार वो मेरी गाड़ी में भी घुस जाती है, यहाँ पे सींगे रगड़ रही होती है दोस्तों। इनको इतना मजा आता है अपनी सींगे मेरी गाड़ी से गुजारी होती है, बताओ। वो आपसे मोहब्बत करती है, इसकी वजह से वो आपसे प्यार जताती है। ये देखो मेरी
ये देखो मेरी, अभी मैं आपको, आप अपनी जब गाड़ी लेके आओगे ना तब सारी की सारी बकरियां खोल दूंगा, फिर मजा आएगा। अरे ऊपर चढ़ा देना, ऊपर चढ़ा देना, बचड़े गाड़ी में बिठा, हालत कर दो ना गाड़ी की, बाहर भेज दूंगा गाड़ी की, खाली ऐसे पड़ा। तो दोस्तों भाई यहाँ पे सारे के सारे भाई एक एक करके सुलेमान चचो और परवेज ने बछड़े बाहर निकाल दिए, और यहाँ पे भाई आबिद ने वीआईपी करके दूध रेडी कर दिया है। अब ये दूध कल से तुम ना, अब कल तुम इसको सुबह में धोना देना। क्या वजह है इसकी? जी वजह मैं समझ गया। क्या वजह है बताओ? मक्खन वाली। तो तुम सुबह में मक्खन दे रहे हैं भाई। दोस्तों ऐसा सीन है यार, हमने ना सुबह के टाइम जानवरों को मक्खन दे देते हैं, कितने बजे? 8:30 बजे तक मक्खन दे देते हो। 8:30 बजे तक हम लोग जानवरों को मक्खन दे देते हैं, और इस टाइम ना शाम में हम दूध देते हैं, और सुबह के टाइम में अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने सोचा कि यार कल ना एक दफ़ा आपको मक्खन देते हुए तरीका बता दूं भाई, किस तरीके से हम लोग मक्खन दे रहे हैं, हम लोग कौन सा मक्खन यूज़ कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको कल की वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह। तो भाई कल तुम सुबह में दूध पिला देना और शाम में मक्खन दे देना, फिर तुम अपने रूटीन पे वापस आ जाना, सुबह में मक्खन और शाम में दूध। ठीक हो गया? डन हो गया? ठीक है, समझ गया। इस दूध के बारे में भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि भाई ये पाउडर वाला दूध है, ये रिसेंटली हमने फार्म पे स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया इसको? 31st से ना, पहली से एक दिन पहले, 31 तारीख को, मतलब 31st से हमने फार्म पे स्टार्ट किया, और इसके मैं ना रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ भाई। जब तक अभी तक जो मैं इसको देख रहा हूँ भाई, दूध की क्वालिटी देख रहा हूँ, जब दूध तैयार होता है ना उसी से पता चल जाता है कि भाई इसके क्या रिजल्ट आने। तो भाई वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक महीना मैं इसको पूरा चला के रिजल्ट देखना चाहता हूँ, उससे क्या रिजल्ट आते हैं, इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो और मुझे भाई जहाँ तक मुझे पता है भाई, इसके रिजल्ट अच्छे ही आने हैं, क्योंकि बहुत अच्छा दूध है ना। ऐसा ही है बिल्कुल भाई, क्रीम वाला ऐसे बिल्कुल क्रीमी। हाँ माशाल्लाह से यार, अच्छा क्रीम वाला दूध है, और इसमें ना दोस्तों 40% जो है ना प्रोटीन है, और 30% जो है ना फैट है। तो अभी इसको पिला के भाई इसके रिजल्ट देखते हैं क्या आने, और फिर उस हिसाब से ना डिसीजन लेंगे हम। और पिलाओ पिलाओ, और कल भाई मक्खन सुबह नहीं दे देना, याद रखना तुम अपने दिमाग में। बिल्कुल। माशाल्लाह से रस्सी खोल दो, माशाल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिलाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह यार शेरू देखिए भाई दोस्तों कैसा होता जा रहा है यार, गोला उतारना शुरू हो गया है माशाल्लाह, और कितनी अच्छी गर्दन बना ली है माशाल्लाह, आराम से आराम से। अभी इसको एक और बोतल पिलाओगे? एक और बोतल पिलाएंगे। सारे जो दोस्तों बड़े जानवर है ना, पूरा पूरा हर जानवर को ये पूरा जग, हाँ पूरा जग जाएगा। तो हमारे पास जितने भी फार्म में बड़े जानवर है ना, उसको हम लोग दो दो बोतलें पिलाते हैं, और जो छोटे जानवर हैं, मतलब 4-5 जानवर हैं छोटे ना, उनको एक एक बोतल जाती है। जाने मन को थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है, और जाने मन को तो भैंस का दूध भी जाता है, इसके अलावा जाने मन का अलग से भी दूध है। चलो चलो लेके जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई। एक बात बताओ, कल जो वीडियो में आपने 25,000 वाली ऑफर दी है, हाँ उसमें दूध और मक्खन ऐड है क्या? हाँ ना यार, अभी हम एक चीज को ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो भाई हम सब जानवरों को खिलाते हैं, ऐसा नहीं है किसी को। 25,000 वाले को आप जरूर देंगे ये? जरूर देंगे, अगर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास इस दूध के, तो भाई ये है पलाई में, ये है चलता रहेगा ये। और इसके अलावा कुछ आप पिलाते खिलाते हो क्या? सब देते हैं। तुम्हें भी कुछ खाना है? तुम अपने घर वालों से बोलो हमें 25,000 रुपए दे महीना, तुम्हें भी दूध पिलाएंगे। ये खाली ये दूध भी नहीं है ना, इसमें मेडिसिन भी फ्री है हमारी, सही है, और तेल भी हम देंगे, सही है, और गर्मी में तेल और दही दोनों मिक्स करके पिलाएंगे। तेल और दही नहीं करो यार, 25,000 में? हाँ उसी 25,000 में, और उसमें दूध और तेल मिक्स करके वो भी पिलाएंगे। सुलेमान चाचा तुमने इतनी अच्छी बात करी, इसी खुशी में ये हो गए, ये हो गए। बच्चे वाला आएगा इधर से, दिल खुश हो गए, वो अपना बच्चा लेके जाएगा ईद पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे यार आप कोको को पिला रहे हैं यार, क्या हुआ? सुल्तान को नहीं पिलाया? उसको भाई तू तो बड़ी स्पीड से पिला रहा है, चल चल पिला पिला। तो भाई अब कोको की बारी आ गई है, और भाई आप दूध की खासियत क्या बता रहा था? जी भाई जितना इसको चलाते जाओगे ना उतना गाढ़ा, अच्छा उतना गाढ़ा होता जाएगा भाई। इसको बता रहे जितना इसको मिक्स करते रहेंगे ना उतना गाढ़ा होता रहेगा, और गाढ़ा दूध तो अच्छा होता है ना यार, बिल्कुल अच्छा होता है। ये दोस्तों इंशाल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट आए ना, तो ये भाई एंड तक, ईद तक भाई, सीजन तक, टिल एंड ये कंटिन्यू रहेगा। क्यों मोंटी? नहीं यार सीजन तक, हाँ भाई रहेगा ना यार। अच्छा ये बस एक अच्छी ऑफर, स्पेशल ऑफर, धमाका स्पेशल ऑफर भाई, लूट लो मैं तो कह रहा हूँ। आओ जमील मेमन अल्बाइस कैटल फार्म वालों को लूट लो, पलाई में लूट लो, जानवर में भी लूट लो भाई, हर चीज में लूट लो भाई। पहले भी तो ये हुआ था, लूट कर ही गए थे ना यार। हाँ तो इस साल भी लूट लो ना, पूरा करवाते लोग। हम नहीं लूटते किसी को, हम लूटते नहीं, लूट जाते हैं, लूट जाते हैं। क्यों भाई सुलेमान चाचा? भाई हमने पहले भी ऑफर दी हुई थी ना, तो अभी भी ऑफर दे रहे हैं 160 होने चाहिए। ऐसे नहीं सुलेमान चाचा, थोड़ा अलग तरीके से जैसा होता था पहले भी ऑफर से, उन्होंने हमारे को लूटा है। अभी भी हमारा दिल यही बोल रहा है भले आ जाए, हमारे को लूट के ले जाए, और 160 160।
160 भाई सुलेमान चाचा फुल ऑल्टर हुए हैं। जो हम फेसबुक पे लाइव आए थे जो हम बोले थे 160 वाला वही डायलॉग है ये। हो गया हो गया चलो चलो निकलो यहाँ से। तुम ज्यादा नहीं बात किया करो अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल। तुमने ये बकरे खोले ना आज तुमने जो हरकत करी है ना मुझे डर गया। तो दोस्तों भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मस्त कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ यार अपने भाई को दीजिए इजाजत अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज। भाई कोको 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 मस्ती आई हुई है बहुत मस्ती आई हुई तुम्हारे अंदर। ओए क्या हो गया कोको भाई यार चलो भाई अबे नहीं मार नहीं मार दूध पिया ना थोड़ी जान आ गई है उसमें। हाँ तू नहीं पी लियो।